हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट के इस एपिसोड में हम यहाँ पे अपना खाना बना रहे हैं और आप सामने देख ही सकते हो ये कुछ डार्क और वुड, पता नहीं कि उनके वॉरियर वगैरह मतलब यहाँ रहते हैं। तो मेरे को इतनी नॉलेज तो है नहीं वैसे, तो मैंने वहाँ से सामान सारा चोरी कर लिया था। मैं ऑफ कैमरा ऐसे खेल रहा था तो मैंने यहाँ से सामान सारा चोरी कर लिया था। तो हम ऐसे गाइस घूम रहे हैं और सारे में अपना मतलब जो जो मतलब रेयर सामान होता है वो कलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं उनके वहाँ से पता नहीं कौन से सर रेयर सामान लेके आया था। पहले गाइस मैं अपना एक खाना पकाने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे जानवर मार के आया था तो उनका खाना मैंने यहाँ रख रखा है। तो गाइस मैं ये लेके आया था, क्या नाम है ये, कुछ वीट है और ये स्मिथिंग टेम्पलेट है और ये बोटल इन टेंचिंग पता नहीं क्या है गाइस। ये सब लेके आया था मैं वहाँ से। और एक हमें ये क्रॉसबो मिल गया था एकदम नया, तो क्रॉसबो भी मैं ले आया था वहाँ से। तो ये हमारा कुछ खाना है अभी बन रहा है। तो अभी हम खाना जल्दी से पहले पका लेते हैं, क्योंकि अगर रॉ हम खा लेते हैं तो फिर वो इतना मतलब सही नहीं रहता, पता नहीं क्या हो जाता, मतलब पॉइजन की तरह ही होता है वो, मतलब हमारी लाइफ लाइन घटा देता है। तो पहले चलेंगे जल्दी से खाना वगैरह अपना पका लेते हैं। तो सारा खाना पका के फिर हम यहाँ से चलेंगे जल्दी से कहीं और ट्रेजर हंट करने। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, पहले मैं पास में जाके आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या चोरी करके लाए थे वहाँ से। पहले मैं सामान सारा रख देता हूँ, ऐसे ही घूम के आते हैं। तो इतना हमारे खाना बनता रहेगा, इतने हम जल्दी से घूम के आते हैं। तो मैं थोड़े बहुत अपने मतलब खाना वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ गई फ़ाइट वाइट करने की तो हम फाइट भी कर लेंगे। तो पहले जल्दी से चलते हैं, इसको उठा लेते हैं स्वॉर्ड को और पहले चलते हैं जल्दी से उसके पास। तो गाइज़ मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ, इसका असल में मेरे लिए आसान ही है वैसे जाना, क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ, एक या दो बार मैं जा चुका हूँ इसमें। और ये देखो गाइज ये घूम रहे हैं, ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। पर मैं पहले गाइज पहले भाग लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया, वो मैं पहले अपना फूड खा लेता हूँ फिर मैं जल्दी जल्दी। तो गाइस ये मार ना दे जल्दी से तो हम भाग लेते हैं, तो मैं बच गया। तो जल्दी से चलते गाइस इनके घर के अंदर, पता नहीं आज तेज क्यों नहीं भाग रहा, खाना नहीं खिलाया गया अभी तो। अभी तो इसे खाने मैंने खिलाया। तो पहले मैं लेके चलता हूँ आपको इनके घर में। तो इनके घर का कुछ एंट्रेंस आगे से है, तो पहले मैं जल्दी से भाग लेता हूँ, 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 भाग लेता हूँ। और गाइस एक ये रहा, ये मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहा था, तो मैं पिछली बार भी ऐसे ही गया था। तो मैं जल्दी से चलता हूँ उनके घर में और मैं यहाँ से जल्दी से वुड तोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने वुड लगा दी थी, क्योंकि बहुत सारे ये ऊपर आ रहे थे बार बार। तो गाइस कुछ ऐसा है यहाँ से ऊपर का नज़ारा, तो इनका ऊपर आ रहे हैं गए। अगर ऊपर आ गए तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, हम इनसे फाइट ले लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो गाइस मैं इनका डब्बा भी चुरा लूँ गया यहाँ से, कि मेरे डब्बे में सामान रखने में कमी पड़ रही है। नीचे गाइस दोबारा पहरा हो गया है ज़्यादा ही। तो हम ऐसे करेंगे, हम जाएंगे यहाँ की इसकी तरफ से। वैसे तो खड़ा है यहाँ पे क्रॉस बो लेके, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कूद के और जल्दी से भाग लेता हूँ। तो पहले मैं जल्दी से एक कूद गया। तो गाइस मैं भागता हूँ जल्दी से, इन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया है, तो मैं जल्दी से भागता हूँ। तो हम घर से दूर आ चुके हैं इनके, ये गाइस मेरे पीछे पड़ गए हैं सारे, ये मेरे को मार के छोड़ेंगे। मैं काम करता हूँ ना, सारा सामान लेता हूँ दोबारा से और रखता हूँ। ऐसे हम पे सामान इतना है नहीं, डार्क वुड हमें कभी कभार ही देखने को मिलती है, तो हम डार्क वुड को अपने डब्बे में रख देते हैं। और गाइस वैसे कुछ अब कोई अभी आ भी नहीं रहा है, तो मैं अपना खाना भी जल्दी से पकाने के लिए रख देता हूँ। ये कुछ हमारा फूड है, क्योंकि हमें आज बहुत दूर जाना है, अपने घर जाना है वैसे, क्योंकि मैंने दो तीन जगह अपना सामान मतलब हमने कलेक्ट कर लिया था। और एक जगह हम मर गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा। तो पहले जल्दी से सोते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। हाँ अपना घर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा घर जल गया था, पता नहीं
मेरे से लावा गिर गया था घर में, तो गलती से वो घर जल गया था। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है स्केलेटन वगैरह घूम रहे हैं क्या? क्योंकि गाइज हम केव के ऊपर ही है। तो हमारा गाइज इतना खाना तो हो गया है कि हमारे रास्ते में कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना हमारे पास बहुत सारा है। तो पहले हम इन डब्बों को तोड़ते हैं, क्योंकि आज डब्बों को क्यों तोड़ना, डब्बों में से सामान निकाल के फिर हम तोड़ेंगे ना ही ना। तो पहले मैं जल्दी से ये स्वॉर्ड वगैरह निकाल लेता हूँ, क्योंकि गाइज आज हमें बहुत दूर जाना है। जल्दी से सारा सामान अब कर लेते हैं कलेक्ट। अरे यार ये सामान तो बहुत सारा बढ़ गया है। फाइनली हमने अपना सारा सामान उठा लिया है, और जो मैं नीचे है तो वो हमने यहीं ड्रॉप कर दिया है। वैसे गाइज काम का भी है नहीं, क्योंकि इतना हमें काम का ही चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए था। तो मैं आपको वहाँ तो घुमा लाया, अब हम चलते जल्दी से अपने घर पे, क्योंकि मैं बड़े दिनों से अपने घर नहीं गया हूँ। मेरे पे सामान नहीं है, वरना मैं इन घोड़ों को ही ले चलता अपने घर पे। तो पहले जल्दी से चलते हैं, मैं इसी किनारे किनारे आया था, तो मैं इसी किनारे किनारे जाऊँगा वापस घर पे। विलेज में आ चुके हैं, इस विलेज में मैं गाइस पहले रुका भी था। तो गाइस पता नहीं रेड वेड का ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं भाग क्यों रहे हैं, पता नहीं गाइस हमारे पीछे पता नहीं कौन पड़ने वाला है। तो और गाइस मेरे पे तो सामान भी है, अगर मेरे पीछे वो पड़ गया तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा। रेड वेट का ऑप्शन पता नहीं क्या आ रहा है, तो मैं आपको विलेज भी नहीं दिखा पाया इसी मारे, क्योंकि पता नहीं इस विलेज में यार रेड पड़ने वाली थी या तो हमारे पास ही कुछ होने वाला था। तो पहले इससे निकलते हैं और चलते हैं अगले। भाई हमें अभी फूड की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं। तो मैं यहीं अपनी टेबल निकाल लेता हूँ पहले, और टेबल निकाल के हम जल्दी से बोट बना लेते हैं। बोट बनानी हमें आती ही है। तो गाइस हम ये फिर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो मेरे को एक एक चीज़ ड्रॉप करनी पड़ेगी, तो मैं वूल ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास बेड है बनाने के लिए। तो पहले जल्दी जल्दी चलते हैं। नो गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ, एक डार्क वुड की मैं वो ले चलूँ। पहले मैं यहाँ से उतरता हूँ। गाइज मैं एक डार्क वुड का पेड़ है अपने पास ले जाने वाला हूँ। ये अगर ये पूरा टूट जाएगा तो मैं इस हमें पता नहीं इसका कमी नहीं पड़ेगी। तो गाइस देखते हैं, पेड़ झड़ना चालू हमें ही करना पड़ेगा क्या? तो यस गाइस हमें डार्क वुड की जड़ मिल चुकी है, तो हम जल्दी से बैठते हैं और इधर से घूम के चलते हैं उधर की तरफ, क्योंकि हमें उधर की तरफ ही जाना है। तो पहले चलते हैं जल्दी से। लेना आप वीडियो देख के चले जाते, पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। अरे हमारी बोट कहाँ है गाइस? बोट के लिए तो जगह ही नहीं रह। मशरूम को फेंको, मशरूम का हमें इतना काम नहीं है। तो हम एक और आइलैंड पे आ गए हैं, तो इस आइलैंड से भी जल्दी से निकलते हैं। और ये पेड़ कितने साफ साफ से हैं, सफ़ेद ही सफ़ेद पेड़ हैं यहाँ तो। और जहाँ कितनी गहरी गहरी केव जा रही हैं, एक हादसे में अगर हम गिर गए तो हमारे सारा सामान गिर जाएगा। तो पहले जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। तो इस आइलैंड को भी हमें पार करना होगा, और एक आइलैंड और आएगा हमें उसे भी पार करना होगा, फिर जाके शायद से हमारे घर आए। और आइलैंड आ चुका है, तो हमें इस आइलैंड से उधर की तरफ जाना पड़ेगा। ये आइलैंड जाना पहचाना नहीं, रुको ऐसे क्यों लग रहा है? यस गाइस तो हमारा शॉर्टकट मर चुका है, तो सामने हमारा विलेज आ गया है। मेरे को यहाँ के केव से पता लग गई थी,
भाई मैं पहले पीछे की तरफ चलता हूँ, बोट में जाएंगे आराम से। वैसे पहले आप बोट रखते हैं। अरे बोट रखने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे, क्या नाम है इसका, डार्क मैन पता नहीं क्या, मैं तो डार्क मैन ही बोलता हूँ, डार्क मैन यही घूमता रहता है। तो फाइनली गाइज हम अपने विलेज में आ चुके हैं, तो मैं आपको अपना घर का कुछ दिखाता हूँ कि मैंने थोड़ा और बना लिया था। तो गाइज हमारा घर जल गया था क्योंकि मेरे से लावा गिर गया था घर पे, तो मैं जल्दी से उतरते हैं। और ये रही हमारी शीप्स, इनको मैं और घास नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। तो भाई अब देख रहे हो कि मैंने बाहर से हमारा घर इतना बढ़िया लग रहा है, और मैं अपने घर के लिए ही लेके आया था डार्क फूड, क्योंकि पहले गाइस मैं सामान रख देता हूँ। तो पहले यहाँ से हम दो ये हटाते हैं और अपनी ये दोनों चेस्ट रखते हैं यहाँ पे, और इसमें हम गाइस सारा सामान रख देते हैं जितना भी हम सामान लाए हैं। पहले हमारे एक टेबल निकाल लेते हैं और डार्क वुड निकाल लेते हैं, डार्क वुड हमें ज़्यादा नीचे ही होगी। तो गाइज ये तो कुछ हमारा कैंपिंग का, तो हम अपनी कैंपिंग करने गए थे, तो हम ऐसे ही जाते रहते हैं कि हमें थोड़ा रेयर वेयर सामान मिलता रहे। तो अगले हम अगली बार नहीं, हम इसी बार मतलब चलेंगे, पहले हम अपने माउंटेन वाले छोटे से घर में चलेंगे, वहाँ भी मैंने कुछ अपना आयरन वगैरह इकट्ठा करके रख रखा है, तो हम वहाँ जाएंगे पहले। तो पहले मैं जल्दी से उठता हूँ और मेरे को गेट बनाने हैं पहले, तो मैं गेट बनाता हूँ। तो पहले रुको गाइस, मैंने गलती से कर दिया, मेरे को पहले मेरे को ये हटाना है, फिर मेरे को ये लगाना है। गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे घर में ही आ गया क्या वो, गाइस वो रहा, मेरे को पता ही था, मेरे को लगा घर में ही घुस गया वो। तो डार्क वुड ऐसी कुछ एरा और हमने अपने गेट बना लिए हैं। तो कुछ हमारा गेट ऐसा बनता है डार्क वुड से, पहले हम इन्हें तोड़ देते हैं। अरे टूट भी नहीं रहे क्या, तो मैं पहले तोड़ने के लिए कुछ लेके आता हूँ। एक चेस्ट में सामान पड़ा ही है, तो मैंने जल्दी से तोड़ता हूँ। तो एक तर गेट यहाँ लगाएंगे और एक, तो ऐसे गेट कुछ अलग ही, मेरे को ऐसे करके लगाने पड़ेंगे क्या, पता नहीं गाइस क्या इनके गेट का मेरे को सीन समझ नहीं आता। पहले मैं खोलता हूँ और इधर की तरफ लगाता हूँ, तो ये लग गए हमारे गेट, और मैं इधर भी लगा ही देता हूँ, इस गेट को तोड़ देता हूँ और इस गेट को फिट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सही लगेगा हमारे घर के लुक के लिए। और बाकी मैं गाइस चीज़ें वगैरह लाया था, तो पता नहीं ये क्या है, ये पीने वाली कुछ है क्या, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये शीशी क्यों फेंक दी मैंने, पता नहीं गाइस क्या नुकसान हो गया। ये शीशी वगैरह मेरे को लगता है गाइस रेयर मिलती होगी, और हमने इसे ऐसे ही तोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो पहले फूड लेते हैं थोड़ा सा, और आज गाइस हम अपना ये क्या बोलते हैं, अपने एक एमरेड पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको भी हम माइन करने चलेंगे, और हमारे पास और भी चीज़ें हैं। तो पहले मैं एक्स ले लेता हूँ, अपनी स्टोन की एक्स, तो इससे हम माइनिंग करने चलेंगे पहले। और मैं अपना ये पेड़ ले जाके पहले बाहर लगा देता हूँ, क्योंकि पेड़ बहुत सही है। पहले मैं फूड भी नहीं लेना भूल गया यार, जल्दबाजी में फूड भी लेना भूल गए हम। तो पहले जल्दी से फूड ले लेते हैं, हम चिकन लेग पीस खाएंगे, तो पहले जल्दी से फूड खा लेते हैं। और गाइस मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम अपना ये फार्म और बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो ये मैंने कुछ ऐसी सजावट वगैरह के लिए लगा दिया था, तो मैं अपना ये कुछ ये वाला ट्री यहाँ पर लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये इसके लिए जगह सही रहेगी। और हम इसमें लाके गाइस वो डाल देते हैं अपना बोन मिक्सचर, पता नहीं क्या होता है वो, तो वो डाल देंगे, तो गाइस बहुत जल्दी पेड़ बड़ा हो जाएगा। फिर अगर हम अपने लिए गेट वगैरह अगर कुछ भी हमें डार्क वुड से बनाना होगा, तो हम वो डार्क वुड से बना सकते हैं।
पहले हम जल्दी से लेके चलते हैं 3 बोन। हम इन 3 बोन से पहले बोन मिक्सचर, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, बोन मील कह सकते हैं, तो बोन मील हम बना लिए। तो जल्दी से पहले चलते हैं इन्हें खिलाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ अपना मतलब पूल वगैरह बना दे, बढ़िया सा कूल एकदम लगेगा, गार्डन वगैरह। सारी बोन तो मैंने कर दी है, अब देखते गाइस रात का टाइम, देखते कि ये बड़ा होता ही नहीं होता। तो पहले मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ सामने की तरफ, वहाँ मैंने अपना कुछ सामान बना रखा है। तो ये हमारी कुछ पाइप लाइन है, पता नहीं इसे वो भी बोल सकते हैं, शुगर केन, शुगर केन है ही ये। तो पहले जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। जल्दी से यहाँ से उतरते हैं और जल्दी से भागते हैं। इस पता नहीं धीरे धीरे क्यों भाग रहा है। अगर यहाँ बनाए या ना बनाए, एक छोटा सा मतलब यहाँ इतना बड़ा घर बना लेंगे इस पहाड़ पे, अलग ही लगेगा। देख कुछ आ, यहाँ से आग जल रही है, यहाँ से अपना मीट ले जाते हैं। तो मीट पहले पका लेते हैं, इतने पकता रहेगा, थोड़ा टाइम हम वेट कर लेते हैं। और हमारे पास कुछ, रुको गाइस मैं पहले दो तीन जगह अपना पेड़ वगैरह लगा देता हूँ यहाँ पे, इससे थोड़ा बढ़िया लगे देखने में। फूड हमें कलेक्ट हो गया है, तो पहले चलते हैं नीचे की तरफ, आराम आराम चलेंगे गाइस, आराम आराम से ही चलेंगे। तो पहले अपना जल्दी से माइनिंग का सामान निकाल लेते हैं। पता नहीं मैं दरवाजे क्यों लिया अपने साथ, इनको फेंक दूंगा मैं यहीं पे, क्योंकि मेरा काम नहीं है दरवाज़ों का इतना। और मैं वुड से रिप्लेस करूँगा गाइज, अभी हम दूसरे मतलब मटेरियल का घर बनाएंगे, क्योंकि वुड से क्या होता है कि घर में आग लग जाती है थोड़ा बहुत, अगर सामान अगर गलती से गिर जाए तो। गाइज ये कुछ यहाँ पे अपना ये रखा है, तो इसे भी हम माइनिंग कर लेते हैं। हमें जितना आज कोयला वगैरह मिलेगा हम सारा माइनिंग कर लेंगे। अरे एक्स क्यों गिरा दी, एक्स से ही तो हमें खोदना है, तो भूल जाता है कभी कभार। इतना हमें यहाँ से गोल्ड, गोल्ड कह रहा हूँ गाइस, कोयल मिल चुका है, कोल। और मैंने पिछली बार यहीं तो देखा था मैं गाइस, यहीं कहीं क्रीपर से गाइस मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो पास आके फट जाता है आके, तो बाकी के जने तो आके मारते हैं पर वो आके यहाँ फट जाता है। और ये जल्दी से हम अपना आयरन फार्म भी बनाएंगे, क्योंकि मैं विलेजर ढूंढ रहा हूँ और विलेजर मेरे वहाँ इतने हैं नहीं, तो विलेजर जल्दी से ढूंढ के लाएंगे हम। विलेजर हमारे पास एक दो है, तो एक दो से काम नहीं हो पाता है, तो हम और भी ढूंढेंगे और विलेजरों को लाएंगे। गाइज ये देखो एक हीरा एमरेड, यहीं दबे दबे रह गए हैं, पड़ा होगा। तो जल्दी से इस आयरन को साफ कर देते हैं यहाँ से, पहले जल्दी से यहाँ से सफाई कर लेते हैं। ओ और भी है, काश अगर हमें और मिल जाता इतनी दूर आके, तो हम इतनी दूर, हमारा आना सफल रह जाता। चार ही, चार पीस, पता नहीं 4 या 5 पीस ही मिले होंगे। तो पहले चलते हैं हम अपनी बिल्डिंग की तरफ, जो हमने बड़े प्यार से बनाई है, तो पहले हम उसी के ऊपर चलते हैं। मैं अभी खेव के अंदर गिर जाता। तो गाइस हम कुछ अंदर आ चुके हैं, गेट बंद करते हैं और सो जाते हैं, तो सुबह होने का वेट करते हैं जल्दी से। तो सुबह फाइनली हो चुकी है, ये हमारा कुत्ता घूमे जा रहा है यहाँ पे, पता नहीं कुत्ता है या वुल्फ है, कुछ भी है। तो हम जितना भी लाए हैं उतना रख देते हैं। तो हम ये पता नहीं डार्क वुड यहाँ क्यों लिया उठा के, तो हम जितने फालतू का सामान लाए हमने गाइज यहाँ पर रख दिया है, और आज हम दूसरी जगह माइनिंग करने चलेंगे। और गाइज मैं आ चुका आपको वो दिखा के लाता हूँ जो मेरे को, मैं आपको दिखाने वाला था वो डार्क वुड वगैरह वाला। तो पहले उसके लिए हमें अपना खाना करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर उनसे फाइट लेने लगे तो हमें चाहिए रहेगा। और गाइज मैं अपनी केव में ही अपनी शील्ड वगैरह छोड़ आया हूँ, तो मैं वहाँ से भी सामान लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे और भी सामान है माइनिंग करने के लिए, तो वहाँ भी हम जाएंगे अब की बार भी। तो पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी मैं चल जाता।
ये देखो गाइस, ठस एकदम आवाज़ आती है, हमारे घर के पास में ही है। तो पहले जल्दी से चलते हैं बाहर की तरफ। फाइनली हम आधे रास्ते अपने पहुंच गए हैं और हमें शायद से यहीं से अपना मुड़ना वगैरह आएगा। और इसमें तो यही रास्ता लग रहा था क्योंकि मैं, हाँ गाइस यही है यही है। तो कुछ सामने तो पहाड़ी वगैरह है शायद से। तो गाइस मेरे को लगता है उसको पार करके हमें मिलेगा। यस यस, हमें पार करके ही मिलेगा क्योंकि मैं इस रास्ते से आया गया हूँ। तो देखो गाइस ये रहा, ये कुछ लोग इस घर की। तो ये पता नहीं उनका, पता नहीं डार्क वुड जो कहते हैं, जो अभी हम जिनसे फाइट लेके आए हैं, तो वो उन्हीं का घर है। तो पता नहीं हमारे घर में रेड वगैरह मारते हैं। तो गाइस यहाँ पे सारे जोम्बी वगैरह सब रहते हैं, पता नहीं रह कैसे लेते हैं उनके साथ। गाइस यहाँ पे जोम्बी वगैरह सब रह लेते हैं। तो ये कुछ घर की लुक है। तो यहाँ से एक तरफ से मैंने तोड़ भी दिया था ये घर। तनी गाइस अगर मैं इसके घर जाऊंगा, पर मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा क्योंकि मैं अभी पूरी तैयारी के साथ नहीं आया। तो हम इधर की तरफ अपना चालू करते हैं ढूंढना। अभी हमें और ऊपर जाना है क्या? और यहाँ से कुछ व्यू देखो, यहाँ से तो हमारा घर दिखेगा भी नहीं क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। तो हम जल्दी से ऊपर चलते हैं। और भाई साहब गाइस कितनी गहरी खाई है ये, अगर यहाँ से गिर गया तो पता भी नहीं चलेगी। तो फाइनली गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आपको मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये गेम प्ले वीडियो कैसा लगा, और मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना गाइज कि हम उस मैंशन वगैरह में जाएँ ना जाएँ, मॉन्स्टर वगैरह के हम उसमें रेड करने चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, पर नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे। और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते गाइज आपको नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन गुड बाय।